कर्मचारी प्रकोष्ठ का कांग्रेस सरकार पर हमला, बोले सरकार ने ओपीएस के नाम पर कर्मचारियों को ठगा, कर्जे और केंद्र से मिली मदद को लेकर सरकार जारी करे श्वेत पत्र। प्रदेश में जैसे ही चुनाव प्रचार आ रहा है, वैसे ही झूठ का प्रचार भी आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस झूठ बोलकर कर्मचारियों पर डोरे डालने का काम कर रही है। यह बात आज शिमला में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आदर के योग्य सभी शिमला के पत्रकार मित्रों और मेरे साथ उपस्थित यहाँ पर सभी संगठनात्मक संगठनों से प्रतिनिधिगण, जैसे जैसे लोकतंत्र का महापर्व का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर झूठ का प्रचार जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैला करके लोगों को भ्रमित करने का एक कुप्रयास किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार, जिसका कार्यकाल खंड लगभग 16 महीने का हो गया है और इस 16 महीने के कार्यकाल के अंदर सरकार पूर्णतया विवश और विफल नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सभी लोग बड़े प्रबुद्ध जन हैं, काफी लंबे समय से आप सभी लोगों से चर्चा हम करते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ही सबसे बड़ा वर्ग है, वो है कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी समाज। क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जनसंख्या के अनुपात में अगर सबसे बड़ा किसी का वॉल्यूम है और डायरेक्ट चुनाव को शक्त करने वाला सबसे बड़ा वॉल्यूम है तो वो प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों का है। और ऐसा हो नहीं सकता कि देश में और प्रदेश में चुनाव की ब्यार चली हो और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों को अपने डोरे डालने का कुप्रयास कर रही है। आप सभी के ध्यान में होगा कि जब 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा तो जब इनको यह महसूस हो गया कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा सत्ता में आ रही है, तब इन्होंने एक झूठी गारंटियों का पुलंदा जो था वो प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी और आज आम समाज के समक्ष रख दिया। और आज 16 महीने का कार्यकाल गुजर जाने के बाद भी मैं आप सब लोगों के समक्ष हर चीज को प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जो 10 गारंटियां प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जी की अध्यक्षता में दी गई थी उनमें से एक भी गारंटी 16 महीने के कार्यकाल के अंदर सरकार पूरा नहीं कर पाई है। उल्टा अब जब चुनाव की तरफ, चुनाव जैसे जैसे अपने यौवन की ओर बढ़ रहा है तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार को, मौजूदा सरकार को यह लगता है कि हमारे हाथ से सत्ता जो है वो सरक रही है, क्योंकि उनका अपना परिवार ही उनको छोड़ के चला गया है, बागी हो गया है और ना जाने आने वाले समय में और कितने लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे। वो तो अपने ही बोझ से, अपने ही दुष्कर्मों से जो है वो सरकार गिरने के कगार पर है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की झूठ बोलने में पीएचडी है, जिसको मैं पीएचडी कह सकता हूं, ये जब इनको लगता है तो ये पीएचडी का माया जाल फेंक करके लोगों को बरगलाते हैं। इन्होंने 2022 के चुनाव के अंदर ये कहा कि हम प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का जो है वो लाभ देंगे और उसमें भी इन्होंने ये कहा कि प्रदेश के अंदर पहली कैबिनेट होगी, पहला पेन होगा, पहला निर्णय होगा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मैं इस बात को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश का 136,000 लोग जो अपने आप को ये सोच करके बड़े खुशी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम जो हैं वो एनपीएस से ओपीएस में आ गए, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उसका कारण है जो इन्होंने आनन फानन में आकर के घोषणा कर दी कि हमने प्रदेश के कर्मचारियों को, 136,000 कर्मचारियों को
ओपीएस का लाभ दे दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक किसी अधिकारी ने या प्रदेश के मुख्य सचिव ने इसके ऊपर कोई अपनी टिप्पणी की, इसके ऊपर अपना कोई वक्तव्य दिया जिसको प्रदेश के लोग ऑथेंटिकेट मान सकते, या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया कि जो हमने ओपीएस देने की बात की है उसके पैरामीटर्स क्या है? आज भी किसी को पता नहीं है प्रदेश के अंदर कि हमें मिलने वाला क्या है। ये सारे का सारा झूठ का मायाजाल फैला करके लोगों को बहकाया गया। अभी तक यही चीजें तय नहीं हुई, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं कि भैया तुम्हें जो मिला है उसको जमा करवा दो, तब आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब जिस जमाने में वो आदमी सेवानिवृत्त हुआ, क्या उसके पास पैसे बचे हों? उसके पास पैसा नहीं है, वो जमा नहीं करवाएगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बावजूद क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या प्रदेश की सरकार ने इस बात को प्रमाणित किया कि 2004 के अंदर उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो एमओयू केंद्र सरकार के साथ किया था, वो एमओयू सरकार वर्सी सरकार था, वीरभद्र सिंह जी ने किया था, क्या उस एमओयू को बिट्रे करने के लिए कोई पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाई? नहीं बनाई। ये इमीडिएटली इन्होंने आनंद फानंद में इसकी घोषणा कर दी, क्योंकि इनको पता था कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, पर इनको ये नहीं पता था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी आ सकते हैं। तो आगे तो अब ये फंस गए, अब ये इन्होंने चलो घोषणा कर दी। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर भैया आपने घोषणा झूठी घोषणा की थी, तब भी कम से कम प्रदेश के पूरे पूरे के पूरे कर्मचारी समाज को इसका लाभ देने की बात तो करते कम से कम। आज बिजली बोर्ड के 6,500 परिवार धरने देकर के हड़ताल करने के बाद वापस अपने काम को चले गए, सरकार ने उनसे भी झूठ बोला। बोर्ड और कॉर्पोरेशनों के अंदर अभी तक इन्होंने किसी ओपीएस को लागू करने की बात नहीं की। कुल मिलाकर के अब जब ये चुनाव की वेला आई, तो 2-3 दिन पहले एक पोस्टर हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि ओपीएस के बढ़ते कदम, तो जो ओपीएस के बढ़ते हुए कदम थे उसका मैंने आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो आप सब लोगों के समक्ष रख दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की पूर्व कर्मचारियों को आगाह करना चाहता हूं कि समय रहते इस बात से सजग हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ समय के बाद, क्योंकि सरकार तो जिस ढंग से चली है उस ढंग से मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन तक चल पाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार भी झटके खाते खाते चली जाए और आप लोग जो है वो सिर खड़ा करके अपने सारे अधिकारों की तरफ देखते रहे। उसके बाद शिमला तो प्रदेश की राजधानी है, आप लोगों से भी कुछ लोग रोज दूसरे तीसरे दिन गुफ्तगू करते रहते। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर, मैं आपके समक्ष जो कह रहा हूं ये बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर अगर पूर्व कर्मचारियों के लिए किसी ने अगर कोई मील का पत्थर साबित किया, इतिहास रचा, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रचा। 2012 में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी थे, तब प्रदेश के अंदर एक आवाज लोगों ने उठाई कि जो 5 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होता है और 5 वर्ष के 6 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन के बीच में एक अंतर आ जाता है, उसको ठीक करने की कोई योजना बनाई जाए। सौभाग्य से उस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी और पेंशन कल्याण बोर्ड का चेयरमैन था, वो बात हमारे तक आई, हमने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी से बात की। मैं आपके माध्यम से खुल के इस बात को बताना चाहता हूं कि पूरे भारत वर्ष के अंदर, आज भी कहीं पर 65-70-75 जो है वो किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं दी जाती है। अगर इसकी नींव रखी, इसकी पृष्ठभूमि रखी,
तो उस वक्त की सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने रखी। 5 वर्ष तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, 5 वर्ष तक, और लाखों रुपए मेरे पूर्व कर्मचारियों से इकट्ठे करके पीटर हॉफ में कोई 15-16-18 लाख रुपए खर्चा करके मुख्यमंत्री जी को एक भोजन दिया गया, बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट्स दी गई। उन्होंने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी जो कह देते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है। ये कांग्रेस की कथनी और करनी बता रहा हूं मैं आपको। वो सरकार 5 वर्ष के बाद चली गई, वो कथनी भी चली गई और वो करनी भी चली गई। प्रदेश के पेंशनर समाज ने, बुजुर्ग समाज ने 18-20 लाख रुपया खर्चा, अपनी पेंशन से खर्चा करके उनको 2 रुपए का फायदा सरकार ने नहीं दिया। फिर लोगों को समझ आई, सरकार फिर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनी। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही कुछ करने की परिस्थितियां बनी तो इस विश्व को कोरोना की महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश आपदा से ग्रस्त है। भाई प्रदेश आपदा से ग्रस्त नहीं है, प्रदेश आपके दुर्भावना से ग्रस्त है। कल मैं कुल्लू गया था, कुल्लू के अंदर पूर्व कर्मचारियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, तो वहां पर पूर्व कर्मचारियों ने अपनी मांगों के ऊपर चर्चा करने के बजाय ये कहा कि जो यहां पर आपदा के अंदर नुकसान हुआ है आज दिन तक सरकार ने उसकी भी भरपाई पूरी नहीं की है, वहां भी भेदभाव किया गया है। सरकार आपदाग्रस्त नहीं है, सरकार को हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। अभी परसों इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका खुलासा मंडी के अंदर किया, हजारों करोड़ रुपए का लाभ जो है वो सरकार को दिया। सरकार ने वो पैसा कहां डाला इसकी आज दिन तक किसी को कानो कान खबर नहीं है। उल्टा 25,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, अभी 16 महीने की सरकार, 25,000 करोड़ का कर्जा। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार से पूछना चाहता हूं कि श्वेत पत्र जारी करें। अगर मन में कोई पाप कपट नहीं है तो श्वेत पत्र जारी करें। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, प्रदेश के कर्मचारी पूर्व कर्मचारी जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके अधिकारों के ऊपर सरकार डाका डाल करके बैठी है। उसका खुलासा भी मैं अभी आगे करने वाला हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं, अभी हम रास्ते में शिमला आ रहे थे, कुल्लू से आए, रास्ते में लगातार जर्नी करके आए तो सड़कों का कई जगहों पर हालत देखी, तो उसको देख करके मन में एक ख्याल आया कि जब हम सतारा में चुनाव लड़ रहे थे तो एक नारा बहुत बुलंद हुआ था कि वाह रे कांग्रेस पार्टी, तेरे विकास का खेल, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में पानी, ये कांग्रेस के विकास की कहानी। आज भी परिस्थितियां वही है, 25,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता इस प्रदेश के, अगर पर व्यक्ति के ऊपर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो इस प्रदेश के पर व्यक्ति को इस सरकार ने गिरवी रख दिया है। अपनी मौज मेला पूरा करने के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार नारा लेकर के आई कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ आ रहे हैं, लोग धोखा खा गए। मेरी बहनें भी यहां बैठी हैं, इन्होंने भी धोखा खाया, जनता ने भी धोखा खाया कि 1500 15 चौके 60 6,000 हो जाएगा। भाई अभी तक तो किसी को मिला नहीं। अब फिर जब चुनाव आ गया तो वेलफेयर के दफ्तरों के बाद फिर लाइनें लगवा दी और बहनें बेचारी धूप में खड़ी। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ, अव्वल तो ये सरकार चलने वाली है नहीं। अगर चलेगी तभी प्रदेश की बहनों को कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं है? प्रदेश की महिलाओं की आबादी कितनी है? अगर 1500 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो तो इतना तो हिमाचल प्रदेश का बजट भी नहीं है जितना पैसा वहां बन रहा है। इतना बजट नहीं है हिमाचल प्रदेश का, टोटल बजट की बात मैं कह रहा हूं। अगर इनके नियत में खोट नहीं है तो ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों की डीए की किस्त के ऊपर क्यों कुंडली मार के बैठी है? हमारी 3 किस्तें
पेंडिंग हो चुकी है। यह प्रदेश की जो अफसरशाही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, अगर खुद करना चाहते हैं तो अधिकारी उनको करने नहीं देते हैं। दोनों ही तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री बेबस और लाचार नजर आते हैं। अगर देने की नियत होती तो प्रदेश के कर्मचारियों को डीए की किस्तें देते। अभी एक किस्त जारी की जुलाई 2022 की एक किस्त जारी की, और जितना उस किस्त का वॉल्यूम नहीं बनता है प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारियों के लिए, उससे ज्यादा तो इन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही खर्चा कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से और इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी से कि एसआईटी का गठन करें और इसकी जांच करवाएं कि 25,000 करोड़ रुपए कर्जा और 1100-1200 करोड़ रुपया कितना केंद्र का आपदा के दौरान आया, हजारों करोड़ रुपए आया, वो गया तो गया कहां। हम नहीं कह रहे इनकी नियत का खुलासा तो इनकी सरकार में मंत्री रहे एमएलए रहे वही कर रहे हैं। हम कहेंगे तो इल्जाम लगाते हैं, भैया हम तो आपकी ही बात को उठा करके आपको सुना रहे हैं, जो कल तक आपकी सरकार में आपकी पार्टी में थे उन्होंने दर्जन भर फेर हिस्त लंबी निकाल करके तथ्यों के साथ पत्रकार वार्ता करके प्रस्तुत की है। आज प्रदेश की जनता का मोह जो है वो इस सरकार से भंग हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। उन्होंने तो ये भी कहा भाई सुधीर जी ने कि अभी ये पहली किस्त है, अगर पहली किस्त इतनी भयानक है, आप लोग तो एनालिस्ट है हर चीज का एनालिसिस करते हैं, अगर पहली ही किस्त इतनी भयानक है तो 16 महीने के अंदर इस प्रदेश के अंदर क्या हुआ होगा, ये आपको आने वाले समय में इसकी जानकारी मिलने वाली है। ये प्रदेश प्रदेश इन्होंने गिर भी रख दिया, ये मित्रों की सरकार बनकर के रह गई, व्यवस्था परिवर्तन हुआ लोगों के लिए नहीं हुआ, व्यवस्था परिवर्तन केवल और केवल अपने मित्रों के लिए हुआ। आप सभी लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या इससे पहले इतने ओएसडी रखे गए, क्या इससे पहले इतने सलाहकार रखे गए, सीपीएस रखे गए, कोर्ट से फैसला आने वाला कई हर कुछ है, हर कुछ। मैं ज्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं आज अपनी ही बात करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आपका ये प्रश्न यक्ष रक्ष आने वाला है कि आप बात चुनाव के दौरान हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और बात हम पूर्व कर्मचारी और कर्मचारी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इस प्रदेश के इस देश के नागरिक, इस देश का और प्रदेश का भला सोचना बुरा सोचना ये भी हमारा अधिकार है। और अगर आज हम खुले मन से कहते हैं, अगर पहाड़ों के अंदर एक कहावत है कि अगर किसी के घर में कोई खाना खाने पहले जाता था तो खाना खाने के बाद ये कहता था कि हे ग्रास दाता तेरा भला हो, तो हमें तो जिसने दिया है उसका गुणगान करेंगे, खुल के करेंगे, और जो छीनने का प्रयास कर रहा है उसका सत्यानाश करेंगे। हमारी बड़ी स्पष्ट बात है कि हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब इतना बड़ा कोरोना का कोविड की महामारी का संकट पूरे विश्व के अंदर आया, और शायद आप लोग तो पत्रकार हैं आपने भी देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से, मैं टांडा मेडिकल कॉलेज में सेवा देने के लिए जाता था, मैंने ऐसा मंजर भी देखा कि अपने ही अपने की लाशों को छोड़ करके जा रहे थे। ये मेरे सामने की बात है, आंखों देखी बात है, बच्चे अपने मां बाप को छोड़ के जा रहे थे और कहते थे, तहसीलदार मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब आपने ही इनका क्रियाकर्म कर देना, शाम को फूल लेने आ जाए। हम धन्यवादी हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, जिनकी सफल प्रयासों के कारण आज हम और आप जिंदा बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा वक्त हमने देखा, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, संवेदनहीन, इनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। जिन लोगों ने उस वक्त
परिवार जब छोड़ गए, अस्पतालों के अंदर छोड़ गए मरीजों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन 10,000 लोगों ने उनकी बीवी से ज्यादा, बहन से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बच्चे से ज्यादा उनकी सेवा की, उनको पैरों पे खड़ा किया, सरकार ने आते ही उन 10,000 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये व्यवस्था परिवर्तन, ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हमने इतिहास के अंदर नहीं देखा। इस सरकार की इससे बड़ी और क्या नाकामी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने 30 अगस्त 2022 को जेसीसी की थी, हम छाती ठोक के कहते हमने इतिहास लिखा था पूरे भारतवर्ष के अंदर। हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहा कि नया पे कमीशन आ चुका है और नए पे कमीशन के मात हमारी जो नई पेंशन है उसके साथ 65-75 को लगाया जाए। हमने करवाया और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया और घोषणा ही नहीं की, ठीक 26 दिन के अंदर, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, 26 दिन के अंदर प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों के खाते में, जीव में 65 और 75 का लाभ जो था उनके खाते में लेकर के दिया। हम एचआरटीसी की बात को लेकर लड़े, बिजली बोर्ड की बात को लेकर के लड़े, हर चीज को लेकर के लड़े, लेकिन हमें सब कुछ दिया तो हम उनका गुणगान भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश का पेंशन समाज कभी नहीं सोच सकता था कि उनकी पेंशन का रिवीजन भी हो सकता है। जो 2016 से पहले के सेवानिवृत्त लोग थे, हमने उनकी पेंशन रिवीजन का प्रबंध किया और उनकी पेंशन के रिवीजन होने के बाद उनकी सभी की सभी सर्विस बुकें एजी ऑफिस में आ गई। इस सरकार की होशियारी देखिए, इनके प्रशासनिक अमले की होशियारी देखिए। इन्होंने एजी ऑफिस को इशारा कर दिया कि भैया आपने इनकी सर्विस बुकों को क्लियर नहीं करना है। नतीजा हमारे कई लोग, मैं सच कह रहा हूं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे कई लोग अपनी सेवानिवृत्ति के लाभ लिए बगैर ही उस दुनिया को चले गए, इस दुनिया से छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे उदाहरण मेरे पास, उनको रिटायरमेंट के बाद ना गृहस्थी मिली, ना लीव एंड कैश मिला, कुछ नहीं मिला उनको, और वो उस पैसे का इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए। ये सरकार की संवेदनहीनता है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ही निम्न स्तर पर जाइए, आप इससे भी निम्न स्तर पर ले जाता हूं मैं सरकार की कार्य प्रणाली को। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हमारे पूर्व कर्मचारियों को सरकार बीमारी के ऊपर उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा मिलता है। जब हमारी सरकार थी तो हमने 25 करोड़ रुपया आदरणीय जयराम ठाकुर जी से बात करके 25 करोड़ रुपया एक मुश्त दिला करके कोशिश की थी सबके बोझ को कम करने की। इस सरकार ने इस 16 महीने के अंदर हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी, मैं स्पेशली कह रहा हूं सैकड़ों पूर्व कर्मचारी, अपने इलाज के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतनी संवेदनहीनता अच्छी नहीं। वो जो लोग दुखी होकर के गए हैं उनकी भी बर्दुआएं आपको ऊपर से पड़ेगी। बचने वाले नहीं है ये, बचेंगे नहीं, इनके बखियां तो इनके ही लोग उधेड़ देंगे। हम तो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं। इसके साथ इन्होंने आज दिन तक हमारे पे कमीशन के एरियर के ऊपर करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपया सड़क प्रदेश के कर्मचारियों का और पेंशन का बकाया पड़ता है। हमारी सरकार थी, आर्थिक बोझ उस वक्त भी था। हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने एक पैरामीटर बनाया कि 2 साल के अंदर 4 किस्तों में जितना भी हजारों करोड़ रुपए का एरियर है उसको प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को दे दिया जाएगा, और उसकी पहली किस्त चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पहले प्रदेश के तमाम कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। तो अब इस समय में हम इतने कृतघ्न नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि जो खाने को देता है उसका भला, जिसने हमारे लिए किया, आज मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 4/4 लेके आएंगे। ये जो भ्रांतियां फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है ये खत्म हो जाएगा। तभी 10-15 दिन पहले हमारा कालीबाड़ी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था तो माल रोड पे कुछ लोग पर्चे बांट रहे थे। भाई पर्चे के, मैंने पूछा पर्चे किस बात के हैं,
तो उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हकों को फ्रीज कर रखा है। मैंने बोला भाई, मैंने उस कार्यक्रम के अंदर भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि इतने कृत घन मत बनिए। जब ये देश घरों के अंदर बंद हो गया था, घरों से निकल नहीं पा रहे थे, अगर उस वक्त भी इस देश में 5000 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया तो उस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर आप पेंशन हो, कर्मचारी हो, तब पर्चे बांट रहे हो तो तब भी आपकी पेंशन और आपका डीए रुका नहीं था, किसी की दिहाड़ी नहीं रुकी, किसी की तनख्वाह नहीं रुकी। तो इस करके मैं आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा समर्थन पूर्णतया डट करके तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ। धन्यवाद, आप सभी आए।